नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र जयमन। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 10 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और अगले साल ही लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से ही बड़ी तैयारियां, जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों, बीजेपी ने जो है अपना मास्टर प्लान तैयार किया है। अब आइए देखते हैं ये जो मास्टर प्लान है बीजेपी का, ये क्या मास्टर प्लान है। तो पहला मास्टर प्लान है वो है डिजिटल वोट। बीजेपी जो है कांग्रेस पर डिजिटल हमला करने जा रही है। वो कैसे करेगी दोस्तों? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए जो है बीजेपी लगातार जो है सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग करेगी और जो है सरकार, वर्तमान सरकार है कांग्रेस सरकार, उसकी कुरीतियों को यहां पर बताया जाएगा और खुद की योजना जो है, प्राचीन योजनाएं है, पहले की योजना या फिर जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, उसकी जबरदस्त यहां पर कैंपेनिंग की जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो बड़ा मास्टर प्लान क्या है बीजेपी का, दूसरा जो बड़ा मास्टर प्लान है बीजेपी का वो है 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, 55,000 जो है बीजेपी ने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए हैं, जिसके अंदर गांव के लोग, धानी के लोग, शहर के लोग, गांव के लोग, हर तरीके के लोग जो है इस ग्रुप के अंदर जुड़ेंगे, उन पर बीजेपी जो है अपना प्रचार प्रसार करेगी। अब आप पूछेंगे भैया 55,000 जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको कौन संचालित करेगा, कौन चलाएगा? तो दोस्तों, इसके लिए जो है 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के लिए और सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग करने के लिए जो है 32,000 लोगों की टीम तैयार की है बीजेपी ने। जी हाँ दोस्तों, ये 32,000 लोगों की टीम या तो बीजेपी कार्यालय में बैठेगी या फिर जो है निजी स्थानों पर बैठ के बीजेपी की पूरी कैंपेनिंग करेगी। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अब तक जो है बीजेपी ने 2700 लोगों को इसकी जिम्मेदारी भी दे चुकी है। मतलब आंतरिक रूप से बीजेपी ने अब अपना काम शुरू कर दिया है, अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है, बिना किसी आहट के, बिना किसी सुसुभाट के जो है कांग्रेस पर लगातार जो है हमला कर रही है। और आपको बता दें इससे क्या होगा, आप कह रहे हैं भाई फेसबुक, ट्विटर, इससे क्या होने वाला है? इससे जो है बीजेपी पहले 80,00,000 लोगों को जो है राजस्थान के अंदर जोड़ पाती थी, अब 55,000 व्हाट्सएप ग्रुप से और डिजिटल हमले से राजस्थान के अंदर 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जो है बीजेपी यहां पर जोड़ेगी। तो इससे साफ जो है जाहिर हो रहा है कि बीजेपी जो है इस बार चुनाव जीतने के लिए पूरा डिजिटल के ऊपर निर्भर रहने वाली है। ये तो चुनाव के वक्त ही पता पड़ेगा कि कौन जो है सरकार बना पाएगी, कितना क्या जो है ये जो डिजिटल बना कर रहे हैं बीजेपी वाले, कितना क्या सक्सेस हो पाएगा। बस।